हाय, आई एम संजय आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संजय इस वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा उसके बारे में बता रहा हूँ पेपर पैटर्न शुरू करने के पहले मैं आपको सिलेबस में से कौन से लेसन्स और कौन सी पोएम्स ओमिट हो चुकी है वह भी बता देता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड के लिए किताब में से दो लेसन ओमिट किए हैं जो है 1.5 1.7 और पोएट्री सेक्शन से दो पोएम भी उन्होंने ओमिट की है वह है 2.7 पॉइंट सेवन शी वॉक्स इन ब्यूटी और 2.8 पॉइंट एट स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स यह दो लेसन और यह दो पोएम सिलेबस से ऑलरेडी ओमिट कर चुके हैं अभी हम शुरू करते हैं बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा है पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट सेक्शन है प्रोज सेक्शन सेकंड सेक्शन है पोएट्री सेक्शन थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल्स और फोर्थ सेक्शन है नॉवेल्स तो इसमें अभी सेक्शन वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यह मैं बताता हूं प्रोज सेक्शन को थर्टी फोर मार्क्स है पोएट्री सेक्शन को फोर्टीन मार्क्स है राइटिंग स्किल्स को सोलह मार्क्स है और नॉवेल को 16 मार्क्स है इस तरह से यह एक्टिविटी शीट पूरी 80 मार्क्स की है राइटिंग स्किल्स का सेक्शन छोड़ के बाकी कोई भी सेक्शन में आपको ऑप्शन नहीं है इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वह आपको सॉल्व करना है अभी हम प्रोज सेक्शन कैसा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वह देखते हैं क्वेश्चन वन ए इसमें सीन पैसेज रहेगा पैसेज की साइज 275 से 300 सौ वर्ड्स की रहेगी इसमें छ क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर 12 मार्क्स रहेंगे हर क्वेश्चन को दो मार्क्स रहने वाले हैं उसके बाद क्वेश्चन वन बी इसमें लैंग्वेज स्टडी यानी नॉन टेक्सुअल ग्रामर जिसको चार मार्क्स का वेटेज है इसमें डुआज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्पॉट द एरर इस प्रकार से ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे देन क्वेश्चन टू ए इसमें अनशिन पैसेज रहेगा यह भी पैसेज दो से 300 सौ वर्ड्स का रहेगा इसमें भी दो मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे छह क्वेश्चन रहेंगे और टोटल इसको बारह मार्क्स रहेंगे यही अनशिन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन टू बी इसमें समरी राइटिंग आएंगी जो अनशिन पैसेज था उसी का समरी राइटिंग करना होगा और आपको वह समरी राइटिंग को टाइटल भी देना होगा इसके लिए तीन मार्क्स रहेंगे क्वेश्चन टू सी माइंड मैपिंग इसमें एक टॉपिक दिया रहेगा और आपको माइंड मैप तैयार करना पड़ेगा जिसके लिए तीन मार्क दिए गए हैं उसके बाद सेक्शन टू पोएट्री क्वेश्चन थ्री ए क्वेश्चन थ्री ए में आपको एक पोएम आएगी जिसमें पांच क्वेश्चंस दिए रहेंगे हर क्वेश्चन को दो मार्क्स रहेंगे कुल मिलाकर दस मार्क रहेंगे क्वेश्चन थ्री बी एप्रिसिएशन इसमें एक दूसरी पोएम आएगी जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है और इसको चार मार्क्स रहेंगे उसके बाद सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री राइटिंग स्किल्स यह क्वेश्चन फोर है क्वेश्चन फोर ए क्वेश्चन फोर बी क्वेश्चन फोर सी क्वेश्चन फोर डी हर क्वेश्चन में तीन ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको एक सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर क्वेश्चन फोर ए इसमें ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ग्रुप डिस्कशन इस तरह के तीन क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसको चार मार्क्स है उसके बाद क्वेश्चन फोर बी राइटिंग स्किल्स के इस क्वेश्चन में ईमेल रिपोर्ट राइटिंग इंटरव्यू इस प्रकार के तीन क्वेश्चन आएंगे इनमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसको चार मार्क्स रहेंगे क्वेश्चन फोर सी राइटिंग स्किल्स के इस क्वेश्चन में स्पीच कॉम्पेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज ऐसे तीन क्वेश्चन आएंगे इन ऑप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसके चार मार्क्स रहेंगे और क्वेश्चन फोर डी राइटिंग स्किल्स के इस क्वेश्चन में रिव्यू ब्लॉग अपील इन ऑप्शंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसके लिए भी चार मार्क्स रहेंगे यानी पूरे पेपर में सिर्फ राइटिंग स्किल के सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे बाकी कोई सेक्शन में आपको ऑप्शन नहीं है इसके बाद सेक्शन फोर क्वेश्चन फाइव ए इसमें दो क्वेश्चन दिए रहेंगे हर क्वेश्चन को दो दो मार्क रहेंगे यानी टोटल यह क्वेश्चन फोर मार्क्स का है इसमें एम सी क्यू मैच द कॉलम्स ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे यह क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के फोर पॉइंट वन के कंटेंट के आधार पर रहेंगे क्वेश्चन फाइव बी इसमें भी दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स के होंगे कुल चार मार्क्स का वेटेज है यह टेक्स्ट बुक के 4.2 के कंटेंट के आधार पर रहेंगे उसके बाद क्वेश्चन फाइव सी इसमें भी दो क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क्स के रहेंगे यानी कुल मिलाकर चार मार्क्स होते हैं टेक्स्ट बुक के फोर पॉइंट थ्री के कंटेंट के आधार पर रहेंगे उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव डी इसमें भी दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स के होंगे कुल चार मार्क्स का वेटेज है यह टेक्स्ट बुक के फोर पॉइंट फोर के कंटेंट के आधार पर होंगे इस तरह 80 मार्क्स की पूरी यह एक्टिविटी शीट रहेगी आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल if you have any difficulty you can talk with me on the given number the mobile number is on the screen if you have any doubt i am here to help you i am preparing the videos of 12th standard textbook already i have prepared astrologers day on saying please song of the open road very soon i will also upload अदर वीडियोज ऑफ द टेक्स बुक लेसन एंड पोएम्स आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल या बटन को भी क्लिक करें, यानी आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे थैंक यू